Echinoderm embryology, the gastrulation. First, the contents, definition of gastrulation, cell invagination, blastopore, and archenteron formation. Let me start with gastrulation. Definition of gastrulation: gastrulation is a process by which blastula is converted into gastrula. Students, so blastula. एम्ब्रियक स्टेज में एक स्टेज है सबसे पहले मोरूला है दैन बलास्टूला और उसके बाद गैस्ट्रोला स्टेज है तो ब्लास्टूला जब कन्वर्ट होगा गैस्ट्रोला के अंदर तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे गैस्ट्रुलेशन कहेंगे या फिर गैस्ट्रुलेशन की एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक्चुअली एम्ब्रियनिक लेयर्स बनती हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म तो हम कह सकते हैं गैसोलेशन द प्रोसेस बाई विच एम्ब्रियनिक आर जर्म लेयर्स आर फॉर्मड एम्ब्रोनिक लेयर्स कह लें या फिर जर्म्स लेयर्स आर फॉर्मड तो जिस प्रोसेस के दौरान एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेंगी दैट इज एक्चुअली द गैसोलेशन प्रोसेस अच्छा गैसोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो मोरूला है जो बाल ऑफ सेल्स था बाद में जो जो उसमें जो है वो ब्लास्टूला में कन्वर्ट हुआ है तो ब्लास्टूला बेसिकली सेल्स की सिंगल लेयर है तो आज ये एक सर से क्या करेगा इन अंदर को इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगा इन्वेजिनेशन आमतौर पर वेजिटल पोल से होगी ऊपर वाले सेल एनिमल पोल बनाते हैं नीचे वाले वेजिटल पोल तो जो नीचे वाले सेल्स वो आहिस्ता आहिस्ता आनवेजिनेट करके अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे रिजल्ट ये होगा कि ब्लास्टोसील आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज करना शुरू कर देगी और ब्लास्टोसील की जगह एक के नई कैविटी बनना शुरू हो जाएगी दैट इज कॉल्ड द तो इस तरह से ब्लास्टोसील को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिप्लेस कर देगी ऑर्केंटी जो है वो अब जहां से सेल्स इनवेजिनेट कर रहे हैं उस पोजिशन को या उस ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं आर्केंटी जो है वो अंदर जितनी कैविटी बनेगी उसको हम का नाम देते हैं ब्लास्टोपोर यानी आर्केंटीरॉन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्लास्टोपोर है इट हैव टू मेक द एनस इसने आगे जाकर एनस बना देना है डिटेरोस्टोम्स के अंदर अगर ये प्रोटोस्टोम्स होते तो यहाँ से माउथ बनना था इसी तरह से जो आर्केंटी है आर्केंटी ने अल्टीमेटली जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो आर्केंटीराउन विल फॉर्म द घट आर डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम में यहां आप देख सकते हैं कि केलेरली वी हैव अर्ली गैस्टेशन स्टेज है इस गैसोलेन स्टेज के अंदर आप देख कि शुरू में जो आपको ब्लैक स्पेस नजर आ रही है दिस इज ब्लास्टोसील सेल वेजिटल पोल के ऊपर जो सेल्स हैं वो आता दे स्टार्ट इन ये इन्वेजिनेट करेंगे जैसे इन्वेजिनेट करेंगे तो ब्लास्टोसील आता आस्ता स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी कम होना शुरू हो जाएगी और उसकी जगह एक और कैविटी जो है वो लेना शुरू कर देगी एंड दिस न्यू कैविटी इज कॉल्ड द ऑर्केंटी अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आगे स्प्रेड करेंगे ब्लास्टोसीला आहिस्ता आहसा डेमनेश होती, जाए, होती जाएगी कम होती जाएगी जबकि आर्केंटी रॉन का साइज है वो बढ़ता चला जाएगा जो ओपनिंग है ब्लास्टोपोर इट विल मेक द माउथ जबकि ऑर्केंटी ने आगे जाकर क्या बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है